तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने ये चने की दाल चिकन बनाई है। तो इसमें जो है कसूरी मेथी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक, और ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितनी ग्रेवी रखें, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी हमारी ये चने की दाल और चिकन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल चिकन। तो चने की दाल को जो है मैंने आधे से ज़्यादा जो है गला लिया है, उबाल लिया है, और ये चिकन है इसको उबाल कर मैंने इस तरह से इसको श्रेड कर लिया। तो अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने आधी प्याली तकरीबन ऑयल डाला है। तो इसमें डालूंगी मैं अब लहसुन अदरक तकरीबन 2 चम्मच, तो अदरक लहसुन जो मैंने 2 चम्मच डाले थे उसकी मैं अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, और इसमें साथ साथ में मसाले डालती रहूँगी और आपको दिखाती हूँ। तो लहसुन अदरक जो है मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी 1 चम्मच, जितनी भी मिर्चें, पीसी हुई मिर्ची ये मैं 1.5 चम्मच डालूंगी ये वाला। और अब इसमें जाएगा नमक, नमक मैं 1 चम्मच डालूंगी थी क्योंकि मैंने चिकन में नमक डाला था उबलते हुए। और अब इसमें जाएगा जीरा, जीरा जो है मैं ये 2 चम्मच डालूंगी। फ्राइड ऑनियन तली हुई प्याज, ये 4 चम्मच मैंने तली हुई प्याज डाल दी है। तो टमाटर जो है 1 मैंने इसमें काट के डाल दिया इस तरह से। अब टमाटर को भूनेंगे अच्छे से, इसका पानी वगैरह अच्छे से खुश्क हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटर जो है हमारे अच्छे से भून चुके हैं, क्योंकि मैंने टमाटर डाला था। इसमें मैं डाल रही हूँ ये भुना कुटा जीरा 1 चम्मच, ये डाल। और अब इसमें डालूंगी मैं दाल, इसमें जाएगा चिकन। ये देखिए ये अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये दाल चिकन जो है मैंने एक रेस्टोरेंट में खाई थी और बहुत मज़े की बनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज इसी तरह बनाऊं। तो अब इसमें डालूंगी मैं 1 क्यूब्स पनीर का क्यूब्स, ये मैं 1 क्यूब्स डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सूखी मेथी, दाल में जो है मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे बनाने में। और अब जो है मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ दूंगी कि दाल में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि दाल भी उबली हुई थी तकरीबन, और चिकन भी हमारी उबली हुई थी, और मसाले भी मैंने भून लिए थे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे इस दाल को तैयार होने में। तो अभी जो है मैं दाल को जो है धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, जो थोड़ी बहुत कसर है वो इसमें गल जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने ये
चने की दाल चिकन बनाई है। तो इसमें जो है कसूरी मेथी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक, और ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितनी ग्रेवी रखें, अपने हिसाब से आप रख सकती हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी हमारी ये चने की दाल और चिकन।